हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राय ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको क्लास 10 से 12 के साथ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस सेमेस्टर एंड कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया था। तो आज की क्लास में हम लोग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन यानी सेकंड यूनिट बिल्कुल ओमान साइकिल का हम लोगों ने उसको COP निकालने के लिए हम लोग सीख लिया था यानी COP, और उस पर बेस्ट एक न्यूमेरिकल को हम लोग सोल्व करेंगे। और साथ ही जो COP हम लोग टेम्परेचर के टर्म निकाले थे उसको आज प्रेशर के टर्म में हम लोग निकालेंगे, जिससे हम लोग को आगे चलकर बनाने में आसानी हो। तो आप सब इस लाइव सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, तब तक हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। और साथ में क्लिक कर दीजिएगा लाइक का बटन, क्लिक कर दीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक को क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम लोग जो COP हम लोग ने निकाला है, यानी कि COP इक्वल टू T2 - T1, ये हम लोगों ने प्रेशर का टर्म निकाला, सॉरी टेम्परेचर का टर्म निकाला, लेकिन हम लोग प्रेशर का टर्म निकालेंगे। प्रेशर रेशियो, अब हम लोग प्रेशर रेशियो का टर्म, प्रेशर का टर्म हम लोग निकालेंगे COP। तो हम लोगों को COP किस तरह से निकलेगा, है ना। तो इसको में से हम लोग देखते हैं, यानी कि जो T2, इसको T2 कॉमन कर लेंगे तो ये आप हो जाएगा, देखिए COP इक्वल टू ऊपर T2 है, नीचे बढ़ जाएगा T2 कॉमन करेंगे तो T2 कॉमन करेंगे तो T1 - T2 हो जाएगा -1। यहाँ से यहाँ आपको T1 कट गया, अब आपका COP इक्वल टू हो गया, अब यहाँ से देखिए COP हो गया 1 - T1 - 1, है ना। अब हम लोग का COP इक्वल टू हो गया 1 - अब हम लोग पूरे प्रोसेस एक से दो में चलेंगे। तो एक से दो में प्रोसेस में देखिए, एक से दो प्रोसेस में हम लोग जाने में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है ना। तो हम लोग जानते हैं कि T1 - T2 इक्वल टू P1 - P2 y - y1, यही y1, यानी कि ये आपका निकल गया इक्वेशन, है ना। यानी कि हम लोगों ने देखा कि इन प्रेशर एक से दो में हम लोग एडियाबेटिकली एक्सपेंशन में आपको देख रहे हैं, तो T1 - T2 हम लोग पिछले हम लोग जानते हैं, यानी कि इसके फॉर्मूला होता है, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन में होता है ना। अब उसके बाद हम लोग तो T1 - T2 है, यहाँ T1 - T2 है, तो इसको इसमें यहाँ पुट कर देंगे। तब देखिए हम लोग का COP निकल गया, तो COP इक्वल टू 1 - इस, यानी कि इस टर्म को पुट कर देंगे यहाँ, तो हो जाएगा आपका P1 - P2 y - 1 - y - 1। तो ये आपका निकल गया टोटल टर्म, यानी कि COP ऑफ प्रेशर के रेशियो, प्रेशर के टर्म में। अब हम लोग देखे इस प्रेशर को, यानी कि P1 - P2 को हम लोग प्रेशर रेशियो मान लेते हैं, है ना। अब यहाँ लिख लीजिए लेट P1 = P2 = प्रेशर रेशियो, इसको इस शॉर्टकट में लिख लीजिए प्रेशर रेशियो, है ना। अब यहाँ पुट कर देंगे तो COP = आ जाएगा 1 - PR के पावर में y - 1, ये आपका हो गया फाइनली फॉर्मूला, यानी कि COP प्रेशर के टर्म में हम लोग प्रेशर रेशियो के, तो 1 - प्रेशर रेशियो, यानी कि प्रेशर रेशियो y - y1 - y - 1, ये आपका फॉर्मूला निकल गया फाइनली। अब उसको बाद तो ये हो गया, मान लीजिए कि हम लोग अगर क्वेश्चन प्रेशर रेशियो के प्रेशर में टर्म में दे दे, टेम्परेचर ना देवे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, नहीं टेम्परेचर देगा तो इस पर तो पुट करके निकाल देंगे, लेकिन अगर प्रेशर के ही टर्म छोड़ दिया तो हम लोग इस पर पुट करके निकाल लेंगे। तो ये आप सबसे पहले इसको उतार लीजिएगा, पहले इस सेक्शन को उतार लीजिए, अब उसके बाद हम लोग इसको क्लीन करते हैं, और क्लीन करने के बाद इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, है ना। तो आप सबसे पहले इसको उतार लीजिए, तो आप वीडियो को, है ना, इसको उतार लीजिएगा, आप उतार लिए होंगे हम उम्मीद करते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्लीन करते हैं,
तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को एक सोल्व करेंगे। इसी पर कहता है इन एन ओपन डेंस एयर रेफ्रिजरेशन 1 kg ऑफ एयर एट द प्रेशर ऑफ 1.05 bar एंड टेम्परेचर 1.05 bar प्रेशर पर टेम्परेचर उसका कितना था, तो 20 डिग्री सेल्सियस था। इज कंप्रेस टू, अगर उसी को कंप्रेस करके यानी 1.05 bar को कंप्रेस करके 6 bar में हम लोग कन्वर्ट किए तब वहां उसका प्रेशर कितना हो गया यानी कोल्ड 27 डिग्री सी। तो हम लोग इसको क्या निकालेंगे, देन कोलर बिफोर इंटरिंग द एक्सपेंडर एज्यूम कंप्रेशन एक्सपेंशन इज आइसेंट्रोपिक, जो प्रक्रिया हो रहा है जो आइसेंट्रोपिक हो रहा है। तो कहता है डिटरमाइन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी RN को आप लोग निकालना है और दूसरा हो गया COP, और हम लोग को CP इज इक्वल टू वैल्यू दे दिया 1.01 kJ/kg हो गया और Y का वैल्यू दे दिया 1.4। तो हम लोग को एक फिगर बना लेंगे, हम लोग एयर है ना बिल्कुल मान साइकिल का एक फिगर बना लेंगे, उसके बाद PV डायग्राम हम लोग बना लेंगे। तो देखिए 1 से 2 में जाने में हम लोग एक्सपेंडर हो रहा है, 2 से 3 में जा रहा है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो रहा है, उसी इफेक्ट को हम लोग किस में भेज देंगे, तो कंप्रेसर में, और कंप्रेसर में जाने के बाद वो कूलर में जाएगा और हीट जो होगा उसको रिमूव कर देगा कहाँ, एटमोसफेयर में। यही प्रक्रिया यानी 1 से 2 में जाने में आपका एक्सपेंडर हो रहा है और 2 से 3 में आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो रहा है और 3 से 4 में कंप्रेशन हो रहा है और 4 से 1 माना और प्रकार हीट रिजेक्शन हो रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में जो डाटा दिया उसको हम लोग गिवन कर लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ P1 इज इक्वल टू P4 हो गया, यानी कि P1 इज इक्वल टू P4 कितना 6 bar हो गया, और ये आपका हो गया P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू 1.05 bar हाँ। तो ये आपका हो गया, और हम लोग टेम्परेचर देखते हैं, ये देखिए सबसे पहले टेम्परेचर हम लोग देखेंगे 20 डिग्री देखिए कहाँ दे रहा है 1 kg ऑफ एयर प्रेशर ऑफ हाँ यानी कि 3 पर दे रहा है, यानी कि यहाँ आपका दे रहा है TS डायग्राम हम लोग बना लेंगे साफ। TS डायग्राम हम लोग बना लेंगे, ये आपका PV डायग्राम हो गया। अब इसके बाद हम लोग TS डायग्राम बना लेंगे 1, 2, 3, 4 है ना। इस तरह से हम लोग बना लेंगे PV डायग्राम, TS डायग्राम। अब हम लोग देखेंगे यानी कि जो देख रहे हैं ये 20 डिग्री का वैल्यू देखते दे रहा है, कह रहा एट प्रेशर ऑफ 1.05 bar यानी कि इस जगह पर आपको प्रेशर दे रही है, यानी कि P3 का वैल्यू आपका कितना है, तो आपका इतना था। तो पी यानी कि यहाँ जो टेम्परेचर का देख दे रहे हैं वैल्यू यानी इस जगह पर टेम्परेचर 20 डिग्री सी दिया है, अब 20 डिग्री सी दिया और इस पॉइंट पे आपको दे रहा है 27 डिग्री सी। तो देखिए सबसे पहला कहता एन कंप्रेसर 6 bar है ना T1 पर दे रहा है, देन कोल्ड, तो कोल्ड हम लोग को कहाँ हो रहा है, इस पे हो रहा है ना, कोल्ड इन बिफोर इंटरिंग द एक्सपेंडर यानी एक्सपेंडर से इंटर करने से पहले इसका प्रेशर कितना है, तो 27 डिग्री सी है। तो ये हम लोग को देखा यानी कि T1 इज इक्वल टू हो गया क्या 27 डिग्री सी, तो इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे 273, तो ये आपका 300 K हो जाएगा, और ये आपका T3 का वैल्यू दे दिया आपका 20 डिग्री प्लस 273 यानी कि 293 K। तो हम लोग को फॉर्मूला में T2 का वैल्यू चाहिए, T3 का वैल्यू तो नहीं चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले T2 का वैल्यू निकाल लेंगे है ना। तो हम लोग इन प्रोसेस 1 से 2 में चलेंगे, 1 से 2 प्रोसेस देखिए यहाँ आपका रिवर्स 1 से 2 प्रोसेस रिवर्सिबल डायबिटिकली है। तो हम लोग अभी देखे यानी कि T1/T2 बराबर P1/P2 -1:1 ये आपका रिलेशन होता है, यानी कि T1 है ना
अब यहाँ से हम लोग T2 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से ये भेज देंगे तो आपका हो जाएगा 1 × P1/P2y-1/y। यहाँ अब इसको T2 के जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ हम लोग T1 के जगह वैल्यू को रखेंगे, कैलकुलेटर में आप खुद से यहाँ T1 का वैल्यू देखिए, यानी कि 300 केल्विन है। 300 × P1 का वैल्यू देखिए, P1 आपका हो गया 6 वट्टा, P2 का वैल्यू आपका 1.05 और Y का वैल्यू 1.4 - 1.4। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो हम डायरेक्ट T2 का वैल्यू लिख देते हैं, तो T2 का वैल्यू आपका हो गया 182.32, यानी कि T2 का वैल्यू आपका हो गया। अब यहाँ से हम लोग COP निकालेंगे, तो COP = देखिए COP = हम फॉर्मूला जानते हैं, T2/T1 - T2। अब T2 का वैल्यू देखिए 182.32/T1 का वैल्यू यहाँ आपका दिया हुआ 300 - 182.32। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आपका COP निकल के आ जाएगा 1.54, यानी 1.54 आपका COP निकल कर जाएगा, है ना। COP = आपका कितना हो गया, COP = 1.54, यानी कि COP = 1.54 आपका हो गया। उसके बाद हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालेंगे, यानी कि आपका पहले दूसरा COP निकल गया, अब उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे दूसरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यानी RN = यानी यहाँ से हम लोग RN निकालेंगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं MCP del T या MCP देखिए, अब del T कहाँ से हो रहा है, देखिए यहाँ से 3 से 2, यानी कि 3, देखिए यहाँ 2 से 3 में हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो रहा है। तो टेम्परेचर देखेंगे, 3 बड़ा टेम्परेचर कौन है, यानी बड़ा टेम्परेचर आप इस वजह से देखिए, बड़ा टेम्परेचर है, यानी कि तो हो जाएगा T3 - T2, है ना। अब यहाँ से हम लोग एक एम देखिए, एम का आपका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, यानी 1 kg, उपरा ही में सबसे पहले 1 kg एयर दे दिया, 1 kg CP का वैल्यू देखिए, तो 1 × 1.01 हो गया। T3 का वैल्यू देखिए 293 - T2 का आपका हो गया वैल्यू 182.32। अब यहां से हम लोग को पुल करने के बाद RN का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा, यानी कि 110.68 kJ, तो यानी कि रेफ्रिजरेशन यानी इफेक्ट हम लोग को निकल गया। तो ये था आपका न्यूमेरिकल, जिसको आप लोग ने समझा होगा अच्छी तरह से। यानी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हम लोग को निकाल लिया, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ गए। अभी इस पर बेस्ट 1, 2, 3, 4 न्यूमेरिकल हम लोग इस पर सोल्व करेंगे, है ना। तब तक इसके लिए कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग तब तक मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।